बोले हे भगवान, और जा रहा है, बोला क्या करें, आखिर उपाय जा रहे हैं।
गुलामों जाकर सरदार जी बनाए, वहां तक कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। सरदार जी मंदिर के चले गए, गुरुद्वारा में गए, बोले मुझे प्लीज हमको गुरु पंथ ही अपनाना है क्योंकि मुझे नाम बदलना है। बोले ठीक है नाम बदल देते, पहले आप चलिए थोड़ा सा किया जाए उसको मांगे, सेवा करिए, क्या सेवा करिए, सब कुछ करने के बाद था आज शाम को आए, बोले अपना नाम बताइए। बोले थोड़ा नाम गढ़ा सिंह, बोले गढ़ा सिंह, बोला शुरू किए थे छह दिन से अब हो गया गढ़ा, क्या करें समझ ही नहीं आ रहा। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम बदल नहीं सकते, इसलिए आनंद मार्ग के हर एक फेस्टिवल को साइंस लॉजिक हर तरह से बात में रखा गया है, अर्थात हमारे अंदर है, अर्थात संपूर्ण जगत में फैलाने के लिए हमारा आना हुआ है, और हम जिस कर्तव्य के साथ इस प्रण को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो आध्यात्मिक पति आनंद मार्ग है। इसलिए आज हम लोगों ने जो अपना शीर्षक सुना का नाटक रहा वो यही था कि हम जो त्यौहार देते हैं आमतौर पर लोग अच्छे हर त्यौहार मनाते हैं, भले हिंदुस्तान में हर दिन पिता का पैर छूते थे, माता का पैर छूते, माता के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते थे, पिताजी को प्रणाम करके आगे बढ़ते थे। अब एक एक दिन मनाते हैं फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे, मतलब एक ही दिन क्या है, बाकी दिन फादर्स डे कर रहे हैं, टीचर एक ही दिन, टीचर्स डे इवन चिल्ड्रंस डे भी एक ही दिन मनाते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति में जो मूल बात थी वो थी त्योहारों का होना क्यों जरूरी है। तो आज हम लोगों ने जो तैयारी की है बस ये बताने के लिए कि आनंद मार्ग में आकर हम कितने तरह से तैयार हो गए हैं कि समाज में फैल रही हर एक कुरीतियों को हम जबरदस्त तरीके से लड़ सकते हैं, बता सकते हैं और समझा सकते हैं कि सही फायदे में त्योहार है क्या। लेकिन अपने फेस्टिवल तक जाने से पहले एक छोटी सी प्रस्तुति है, जया और मनोज की स्टूडेंट्स हमारे बीच है और पूरा राजकीय बेचे आज लेकर आ रहे हैं। तो हम बिना विलंब नाटक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे त्योहार आज की प्रस्तुति है हमारे त्योहार। मैं इससे पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इस पूरी परिकल्पना में कुछ एक कटाक्ष है जो सच में हो रहा है। त्योहार के नाम पर बुरा नाम पर होली है और उसके नाम पर जितना बुरा हरकत है वो हम करते हैं। कभी भी कोई पिता किसी पुत्र को नहीं बोलता तो नशा करो, तो हम परमपिता के नाम पर कैसे नशा कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं कि शिव ने मां बनना सिखाया था, शिव ने हमें दादा जी बनना सिखाया था, ऐसा कतई कहीं भी उचित नहीं है। हम परमेश्वर के नाम पर जितनी मजाक, जितनी मस्ती और जितना ओछा बन करते हैं आजकल उसको त्योहार का नाम ले लिए, इससे हमें समाज को बचाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सामाजिक चाल चलन ही हमारे भविष्य की ओर लेकर जाएगा, हमें हम अपनी नई पीढ़ी को क्या देंगे। तो इस प्रस्तुति में आपके बीच हमारे कुछ त्योहार और उनका सही संस्करण और आनंद मार्ग, उन त्योहारों के लिए कौन से गाने हैं वो सब आपके सामने प्रस्तुत होंगे। बहुत सारे परिवेश थे, बहुत सारे पॉइंट्स थे जिसको हमें समेटना था, लेकिन समय प्रस्तुति को देखते हुए हम लोगों ने केवल एक पक्ष रखा है आज की इस नाटिका में। नाटिका है आवर फेस्टिवल्स, हमारे त्योहार।